अभी भी तो इनिशियलाइजेशन पैरामीटर फाइल्स की हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पे जितनी भी आपकी अदर फाइल्स होती हैं, बेसिकली उन फाइल्स को जो पैरामीटर्स चाहिए होते हैं, या जितने भी आपके डेटाबेसेस के टास्क होते हैं जो आपने परफॉर्म करने होते हैं ओरेकल में, उनके लिए जो पैरामीटर्स रिक्वायर्ड होते हैं वो बेसिकली इस फाइल में पड़े होते हैं। तो इसलिए ये फाइल बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जब डेटाबेस ओरेकल का इंस्टेंस बनता है, जब इंस्टेंस डेटाबेस ओरेकल का बनता है, तो वो फौरन से पैरामीटर फाइल को लोकेट करता है, फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। पहले तो सर्वर पैरामीटर फाइल को फाइंड आउट करने की कोशिश करता है, एक खास डिफॉल्ट लोकेशन है, वहां से इस पैरामीटर फाइल वाली पैराग्राफ में फिफ्थ लाइन पे वो दी हुई है। अगर वहां से ना मिले, ठीक है, और ये जो तो फिफ्थ लाइन में दी गई है, ये यूनिक्स के अकॉर्डिंगली दी गई है, ठीक है, आपने जहां पे इंस्टॉल किया होगा डेटाबेस वहीं पे आपको जो है वो लोकेशन उसकी मिल जाएगी। अगर वहां से सर्वर पैरामीटर फाइल ना मिले, तो फिर सिंपल पैरामीटर फाइल जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि दो दो कैटेगरीज में हमने कहा है कि इनिशियलाइजेशन पैरामीटर फाइल्स होती हैं, एक पैरामीटर फाइल्स और एक सर्वर पैरामीटर फाइल्स। पैरामीटर फाइल्स को आप सिंपल init.ora, init.ora जिसे आप कहते हैं, इससे भी जो है वो डिफाइन कर लेते हैं। फिर इन पैरामीटर फाइल्स में कुछ ऐसे पैरामीटर्स भी होंगे जो सिस्टम ग्लोबल एरिया में भी यूज किए जाएंगे, सिस्टम ग्लोबल एरिया के साइज को फिक्स करने के लिए, या उसके टारगेट को फिक्स करने के लिए, या उसको ऑटो एक्सपेंड करने के लिए भी हमें हेल्प करेंगे। इसी तरह से इसमें कुछ ऐसे पैरामीटर्स भी होंगे जो बेसिकली हमें जो सर्वर की मेमोरी एरिया होता है उसमें जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स की साइज को डिफाइन करने में भी हमें हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये इनिशियलाइजेशन पैरामीटर फाइल्स के रिलेटेड कुछ बातें थी, कुछ हमने कल इसमें से जो है वो वैसे कर भी ली थी। सिर्फ दो पैराग्राफ्स अगर आप इसके पढ़ लें, तो आई थिंक ये आप लोगों के लिए जो है वो इनिशियलाइजेशन पैरामीटर फाइल इनफ हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अल्टर एंड ट्रेस लॉग फाइल्स। अल्टर आपको पता है, जब कुछ डेटाबेस में जब कोई भी चेंजेस की जाए, जब कोई भी मॉडिफिकेशंस की जाए, तो बेसिकली अल्टरेशन हो रही होती है। अल्टरेशन हो कब रही होती है, जब डेफिनेशंस को चेंज किया जाता है, तब बेसिकली आपने क्या करना होता है, तब आपने अल्टर फाइल में उनकी एंट्रीज को करना होता है, रिकॉर्ड करना होता है। और ट्रेस फाइल्स, हमने दो किस्म के प्रोसेसेस पढ़े थे, बैकग्राउंड प्रोसेसेस और यूजर प्रोसेसेस। बैकग्राउंड प्रोसेसेस और यूजर प्रोसेसेस के लिए बेसिकली ट्रेस फाइल्स को हम फिर यूज करते हैं। नॉर्मली अल्टर फाइल में यहाँ पे उसने ये डिफाइन किया हुआ है कि जब आप डेटाबेस की जो टेबल स्पेसेस हैं या जो डेटा फाइल्स हैं, जब आप इन डेटा फाइल्स को या टेबल स्पेसेस को चेंज करते हैं या उनमें चेंजेस लेके आते हैं, या आप इसके अलावा कुछ पैरामीटर्स, आपके इनिशियलाइजेशन पैरामीटर्स जो हैं, अगर आप उनमें थोड़ी सी चेंजेस करते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इन चेंजेस का रिकॉर्ड जो है वो अल्टर फाइल में सेव करना पड़ेगा। अल्टर फाइल में उसका जो चेंजेस का रिकॉर्ड है, आपको उसका इफेक्ट जो है वो देना पड़ेगा। तो इसकी फिर बाय डिफॉल्ट एक लोकेशन भी दी हुई है जहां से आपको अल्टर फाइल जो है वो मिल सकती है। बाय डिफॉल्ट लोकेशन इसकी दी हुई है, डायरेक्टली दी हुई है, ठीक है। वो कैसे दी जाती है, वो आपका एक पैरामीटर है, इनिशियलाइजेशन पैरामीटर है, उसकी मदद से आपको पता चल जाता है। जैसे सेकंड पैराग्राफ में डिफाइन किया हुआ है इन्होंने, तो इसमें कहते हैं व्हेन थिंग्स रॉन्ग, जब कुछ गलत हो रहा हो, ओरेकल कैन ऑफन, ओरेकल कैन एंड ऑफन डज राइट मैसेजेस टू अल्टर लॉग फाइल्स। जब भी कुछ गलतियां हो रही होंगी, कुछ एरर कंडीशंस आ रही होंगी, कुछ मिस्टेक्स हो रही होंगी, तो फिर ओरेकल क्या करेगा, अल्टर लॉग फाइल्स के अंदर एंट्रीज करेगा। इन केस ऑफ, अब अगर तो टेबल स्पेसेस या डेटा फाइल्स या अदर टाइप ऑफ फाइल्स में कुछ गलतियां हो रही होंगी, तो फिर तो अल्टर फाइल में चेंजेस होंगी। लेकिन अगर बैकग्राउंड प्रोसेसेस और यूजर सेशंस के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स की जा रही होंगी, तो फिर आपकी ट्रेस लॉग फाइल्स के ऊपर एंट्रीज की जाएंगी। दोनों को अगर हम देखें, दोनों को अगर देखें, तो दोनों में बात एक ही है कि अगर कोई चेंजेस की जा रही हो या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हो, तो फिर उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना है आपने अल्टर एंड ट्रेस फाइल्स में।
फिर दोनों की सेग्रीगेशन की गई है कि ट्रेस फाइल्स में तब करेंगे जब बैकग्राउंड और यूजर सेशंस में या यूजर के कनेक्शंस में प्रॉब्लम होगी। डेटाबेस के साथ यूजर कनेक्ट कर रहा है तो कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, यूजर का सेशन चल रहा है सेशन में प्रॉब्लम आ रही है, या बैकग्राउंड प्रोसेसेस जैसे क्यूमोन, एसमोन और पीमोन जो कि रिकवरीज के लिए यूज किए जाते हैं, अगर उनमें प्रॉब्लम आ रही है तब आप ट्रेस फाइल्स में जो है वो उनकी एंट्रीज करेंगे। सेकेंड पैराग्राफ में कहता है आल्टर लॉग फाइल लोकेटेड इन डायरेक्टरी स्पेसिफाइड बाय इनिशियलाइजेशन पैरामीटर। कहाँ पड़ी होती है ये लॉग फाइल्स? एक पैरामीटर है जो हमें इसकी लोकेशन डिफाइन कर देता है, बैकग्राउंड अंडरस्कोर डंप अंडरस्कोर डेस्टिनेशन। ये पैरामीटर है जो कि पैरामीटर फाइल में पड़ा होता है, ये लोकेशन डिफाइन कर रहा है उसकी। अब उस लोकेशन पे क्या होगा, कंटेन्स बोथ रूटीन स्टेटस मैसेजेस एज वेल एज एरर कंडीशंस। उस जगह पे ये जो डेस्टिनेशन है उस जगह पे दोनों किस्म की फाइल्स पड़ी होती हैं, आल्टर भी और ट्रेस भी। आल्टर फाइल्स में वो कहता है स्टेटस मैसेजेस दिए जाते हैं और आपकी जो ट्रेस फाइल्स होंगी उसमें एरर कंडीशन के मैसेजेस दिए जाते हैं। When database is started up or shut down, जब डेटाबेस को आप स्टार्ट करते हैं या बंद करते हैं तो मैसेज इज रिकॉर्डेड इन alter log file। तो इसका मैसेज जो है वो alter log file में आप एंटर करते हैं, वो वन बाय वन बताएगा कि alter log file में करना क्या क्या है। पहला तो डेटाबेस को शट डाउन और शटअप करने स्टार्टअप करने का मैसेज, अलॉन्ग विद लिस्ट ऑफ इनिशियलाइजेशन पैरामीटर्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम डिफॉल्ट वैल्यूज। इसके अलावा आपके पैरामीटर्स जिनकी वैल्यूज डिफॉल्ट वैल्यूज से डिफरेंट होंगी। इसके अलावा इन एडिशन एनी आल्टर डेटाबेस और आल्टर सिस्टम कमांड्स इशूड बाय डीबी आर रिकॉर्डेड। इसके अलावा अगर आप डेटाबेस को आल्टर करते हैं या सिस्टम को आल्टर करते हैं तो इसका रिकॉर्ड भी आप कहाँ रखेंगे, आल्टर लॉग फाइल में। इसके अलावा और क्या होगा, Operations involving table spaces and their data files are recorded here. जो आप table spaces और data files के ऊपर operations perform करेंगे वो भी आप log files के अंदर alter log files में maintain करेंगे, ठीक है? जैसा कि adding a table space को add करना, इसका record भी आप log file में maintain करेंगे, dropping a table space, adding a data file to a table space, ये सारी चीजों का record आपने alter log file में रखना है, error conditions, तो ये सारी alter log file के बारे में discussion है। Next में आ जाता है trace log files। Trace files for the Oracle instance background processes are also located in, अब उसकी भी location बता रहा है कि trace files भी उसी location पे है जहाँ पे आपकी alter files हैं। For example, trace files for pmon and smon contain an entry when error occurs or when SMO needs to perform instance recovery. वो कहते हैं entries कर रहे हैं PMON या SMON के लिए, ये recoveries के लिए दो mechanism use किए जाते हैं। वो कहते हैं इसमें आप entries करते हैं, कब entry करते हैं, जब कभी भी PMON या SMON के process में problem आए, error आ जाए, या SMON को इंस्टेंस रिकवरी परफॉर्म करना हो, तो इसका रिकॉर्ड फिर आप कहाँ रखेंगे, आप लोग ट्रेस फाइल्स में रखेंगे, और जो जिन ट्रेस फाइल्स में रखेंगे वो रिलेटेड होंगी एसमोन और पीमोन के। आप सिंपली ये समझें कि ट्रेस फाइल्स में इनका रिकॉर्ड जो है वो रखा जाएगा। फिर इसी तरह से क्यूमोन की भी वो बात करता है, ये भी एरर रिकवरी का ही, इंस्टेंस रिकवरी का ही एक मैकेनिज्म है। तो क्यूमोन की भी बात करता है कि क्यूमोन की भी जो एंट्रीज होंगी वो भी आप किस में रखेंगे, ट्रेस फाइल्स के अंदर रखेंगे। तो इसको शॉर्टली जरा खत्म करते हैं, फिर आप आ जाएं पैराग्राफ नंबर फोर्थ में। इसमें भी उसने ट्रेस फाइल्स को ही डिफाइन किया है, उसी के बारे में बातें की हैं। इसमें सिंपल एक बात मैं आपको बता दूं, उसने यहाँ पे जो बात की है वो ये है, डेटाबेस का जो यूजर के सेशन की इंफॉर्मेशन है वो बेसिकली ट्रेस फाइल्स में रखी जाएगी, या डेटाबेस के साथ यूजर जब कनेक्ट कर रहा होगा तो कनेक्ट करने की जो इन्फॉर्मेशन होगी वो भी किस में रखी जाएगी, ट्रेस फाइल में। ट्रेस फाइल्स आर आल्सो क्रिएटेड फॉर इंडिविजुअल यूजर सेशंस, ठीक है जी, इंडिविजुअल यूजर सेशंस के लिए भी क्रिएट की जा सकती हैं, या कनेक्शंस टू द डेटाबेस। दीज ट्रेस फाइल्स आर लोकेटेड इन डायरेक्टरी स्पेसिफाइड बाय इनिशियलाइजेशन। अब वो बता रहा है कि ये वहीं पर पड़ी होगी जो पहले डिफाइन कर दी गई है डायरेक्टरी। ट्रेस फाइल्स फॉर द यूजर, अब थोड़ा सा डिफरेंस होगा। अब ये यूजर अंडरस्कोर बैकग्राउंड अंडरस्कोर डंप अंडरस्कोर डेस्टिनेशन में नहीं पड़ी होगी, क्योंकि अब वाली जो ट्रेस फाइल है
एक ट्रेस फाइल नहीं है, मल्टीपल ट्रेस फाइल्स आपकी हैं। जिस प्रोसेस के रिलेटेड आप ट्रेस फाइल बनाएंगे वो उसी प्रोसेस के रिलेटेड होगी। जैसे कीमोन और एसमोन के लिए डिफरेंट होगी, यूजर सेशंस और यूजर कनेक्शंस के लिए डिफरेंट होगी। यूजर सेशन और यूजर कनेक्शंस के लिए जो ट्रेस फाइल होगी वो आपकी यूजर अंडरस्कोर डंप अंडरस्कोर डेस्टिनेशन की लोकेशन में पड़ी होगी, जबकि जो आपके बैकग्राउंड प्रोसेसेस के लिए जो होगी वो यूजर अंडरस्कोर बैकग्राउंड अंडरस्कोर डंप अंडरस्कोर डेस्टिनेशन की लोकेशन पे सेव्ड होगी। ये सिर्फ थोड़ा सा याद रखिएगा इसके बारे में, इसका नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इतना सिर्फ आप एक दफा रीड करेंगे तो आपको कुछ चीजें इसमें जो है वो याद रहेंगी, कुछ चीजें आपको जो है वो इसमें भूल जाएंगी, वो इशू नहीं है, लेकिन मेजर मेजर जो है वो चीजें याद लाजमी रख लीजिएगा इसमें से। नेक्स्ट आ जाता है बैकअप फाइल्स। बैकअप फाइल्स क्या हैं? बैकअप फाइल्स आपको इसके नाम से पता चल रहा होगा कि ऐसी फाइल्स होंगी जिनके अंदर बैकअप्स जो हैं वो मेंटेन किए जाएंगे, बैकअप्स जो हैं वो सेव वगैरह जो हैं वो किए जाएंगे। जब रिकवरी वगैरह की जाएगी तो तब भी इसको जो है वो यूज किया जाएगा। फिर इसी में उसने बताया कि दो किस्म के बैकअप्स जो हैं वो आप यूज किया करते हैं, एक कोल्ड बैकअप है, ठीक है, और एक आपका जो है वो बिट बिट फॉर बिट इमेज बैकअप है। कोल्ड बैकअप में तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम की जितनी फाइल्स होती हैं सारी कॉपी कर लेते हैं एज अ बैकअप, और बिट फॉर बिट इमेज में आप क्या करते हैं, इंक्रीमेंटल बैकअप करते हैं या फुल बैकअप कर लेते हैं, पूरी की पूरी आपकी जो डेटाबेस होती है सारी का बैकअप कर लेते हैं या इंक्रीमेंट्स की शक्ल में जो है वो आप बैकअप करते हैं। तो यहाँ फिर उसने बताया कि आप रिकवरी मैनेजर भी यूज कर सकते हैं जिसे आप आरमैन का नाम देते हैं, और ओरेकल का रिकवरी मैनेजर है जो कि खास तौर पर रिकवरीज करने के लिए जो है वो यूज किया जाता है। तो बैकअप फाइल्स कैन ओरिजिनेट फ्रॉम अ नंबर ऑफ सोर्सेज। बैकअप फाइल्स कब बनती हैं, अब वो बता रहा है उसके सोर्सेज क्या हैं, सच एज ऑपरेटिंग सिस्टम कॉपी कमांड्स, ठीक है जी, आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की कॉपी कमांड जो है जब आप वो कॉल करेंगे तब भी बैकअप फाइल बन सकती है, या रिकवरी मैनेजर जब अपना काम शुरू कर देगा तब भी आपकी बैकअप फाइल जो है वो बन सकती है। इफ डीबीए परफॉर्म्स अ कोल्ड बैकअप, अब वो कोल्ड बैकअप के बारे में बताएगा कि है क्या। बैकअप फाइल्स आर सिंपली ऑपरेटिंग सिस्टम, नेक्स्ट लाइन पे है, बैकअप फाइल्स आर सिंपली ऑपरेटिंग सिस्टम कॉपीज ऑफ डेटा फाइल्स। कि बैकअप कोल्ड बैकअप में बैकअप फाइल्स में क्या पड़ा होगा, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की डेटा फाइल्स की सारी कॉपी पड़ी होगी, मतलब डेटा फाइल्स जो है उनकी कॉपीज पड़ी होंगी ऑपरेटिंग सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, या रीडू लॉग फाइल्स की होंगी, कंट्रोल फाइल्स की होंगी, आर्चिव फाइल्स की होंगी, पैरामीटर फाइल्स की होंगी, इन सारी फाइल्स की कॉपी कर लो तो ये कोल्ड बैकअप है। फिर बिट फॉर बिट इमेज कॉपी में क्या है, बिट फॉर बिट इमेज कॉपीज ऑफ डेटा फाइल्स, रिकवरी मैनेजर कैन जनरेट फुल एंड इंक्रीमेंटल बैकअप्स ऑफ डेटा फाइल्स, पूरा या इंक्रीमेंटल बैकअप जो है वो क्रिएट किया जा सकता है। किन चीजों का बैकअप क्रिएट करना है, कंट्रोल फाइल्स का, रीडू लॉग फाइल्स का, इनिशियलाइजेशन पैरामीटर फाइल्स का, पासवर्ड फाइल्स का, इस तरह की जितनी भी आपकी फाइल्स हैं जिनकी आपको जरूरत होती है उनका आप बैकअप करेंगे। फिर इनके इनके लिए एक स्पेशल टर्म यूज की है यहाँ पे इसने, बैकअप सेट्स के नाम पे एक टर्म यूज की है, जब आप इंक्रीमेंटल बैकअप करेंगे या फुल बैकअप करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है ओरेकल मैनेज्ड फाइल्स। बेसिकली ये रिकवरी मैनेजर ओरेकल मैनेज्ड ओएमएफ जिसे आप कहते हैं, और एएसएम ऑटोमेटेड स्टोरेज मैनेजमेंट, ये जो टर्म्स है ना ये बेसिकली डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब को आसान करने के लिए इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं, क्योंकि डेटाबेस मैनेजमेंट मैनेजर जो होता है या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है उसको फिर मैनुअली सारा काम करना पड़ता है। ये जो आपके यूटिलिटीज हैं बेसिकली, या एक और यूटिलिटी आएगी आगे नेक्स्ट पासवर्ड फाइल में, ओरेप डब्ल्यूडी एक यूटिलिटी होगी, ये सारी यूटिलिटीज बेसिकली डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को ऑटोमेट करने या उसको फैसिलिटेट करने में जो है वो हेल्प करती हैं, कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो अपने कामों को जरा आसानी से जो है वो और स्मूथली जो है वो परफॉर्म कर सके। जैसे ओरेकल मैनेज फाइल जो हैं ये डीबीए की जॉब को इजी करती हैं, कैसे इजी करती हैं, डेटा फाइल्स का बनाना, डेटा फाइल्स को बनाना, डेटा फाइल्स को रिमूव करना, डेटा फाइल्स में चेंजेस करना, उसके लॉजिकल स्ट्रक्चर को चेंज करना, ये सारे काम ओएमएफ जो है वो ऑटोमेटिकली कर देता है, डीबीए को मैनुअली जाके नहीं करना पड़ेगा, ओएमएफ जो है वो ऑटोमेटिकली ये सारे काम परफॉर्म कर दिया करता है, तो इसलिए ये डीबीए की जो जॉब है उसको थोड़ा सा आसान कर देता है। यहाँ डिफाइंड भी है ओएमएफ जो है वो क्या करता है,
मेक्स डीबीएस जॉब इजियर बाय ऑटोमेटिंग कैसे जॉब को आसान करता है, बाय ऑटोमेटिंग द क्रिएशन एंड रिमूवल ऑफ डाटा फाइल्स, जो डाटा फाइल्स हैं उनकी क्रिएशन और रिमूवल को आसान कर देता है, दैट मेक्स अप लॉजिकल स्ट्रक्चर इन द डेटाबेस। ठीक है, डाटा फाइल्स ने ही लॉजिकल स्ट्रक्चर बनाना होता है, तो डाटा फाइल्स की रिमूवल और डाटा फाइल्स की क्रिएशन को थोड़ा सा आसान कर देता है। अब ओएमएफ के बगैर फिर डीबीए क्या करेगा, ओएमएफ के बगैर मैनुअली काम करेगा। ठीक है, मसलन अगर ओएमएफ के बगैर एक प्रॉब्लम बता रहे, अगर ओएमएफ यूज नहीं किया जाता तो क्या होगा, डीबीए माइट ड्रॉप अ टेबल स्पेस, डीबीए एक टेबल स्पेस ड्रॉप कर देता है। ठीक है, एंड फॉरगेट टू रिमूव अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डाटा फाइल। आपको याद होगा एक टेबल स्पेस में मल्टीपल डाटा फाइल्स होती हैं, फर्ज करो उसने टेबल स्पेस को ड्रॉप कर दिया, लेकिन उसके जो अंडरलाइंग जो डाटा फाइल्स हैं जो कि हार्ड डिस्क में पड़ी हुई हैं, उसने उनको नहीं ड्रॉप किया, उनको नहीं खत्म किया, तो इससे क्या होगा, दिस मेक्स इनएफिशिएंट यूज ऑफ डिस्क रिसोर्सेज। तो आपके डिस्क के रिसोर्सेज क्या होंगे, इनएफिशिएंट यूज होंगे। इसके अलावा बैकअप में भी प्रॉब्लम आएगी, एंड इट अननेसेसरीली इंक्रीज बैकअप टाइम फॉर डाटा फाइल्स। डेटा फाइल्स के लिए जो बैकअप टाइम होगा वो भी बढ़ जाएगा। कैसे, अपनी तरफ से डीबीए ने टेबल स्पेस वन डिलीट कर दी, ड्रॉप कर दी, लेकिन उसकी उसकी डाटा फाइल्स अभी भी हार्ड डिस्क में पड़ी हुई हैं। तो जब जब डीबीए टेबल स्पेस टू और टेबल स्पेस थ्री का बैकअप लेगा, फुल बैकअप, सपोज फुल बैकअप लेता है, तो बेसिकली क्या होगा, जो टेबल स्पेस वन की जो डाटा फाइल्स होंगी उनका भी बैकअप ले लिया जाएगा। हालांकि डीबीए नहीं चाह रहा कि उसका बैकअप लिया जाए, लेकिन उनका भी बैकअप लिया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि फुल बैकअप का ना, डीबीए के तो माइंड में ये था कि टेबल स्पेस वन की डेटा फाइल्स भी रिमूव हो गई हुई हैं, लेकिन वो रिमूव नहीं थी हुई, तो इससे क्या होगा, जब फुल बैकअप की कमांड दी जाएगी तो सारी डेटा फाइल्स का बैकअप जो है वो ले लिया जाएगा। तो ये फिर ओएमएफ को यूज किए बगैर इस तरह की चीजें जहन में रखनी पड़ेंगी आपको, फिर दोनों जगहों पर जाके जो है वो डिलीशन करनी पड़ेगी, ताकि आपकी तसल्ली रहे कि आपने ठीक काम किया है। तो ये ओएमएफ का ये पर्पज था। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है पासवर्ड फाइल्स। आपको पता है जब आप डेटाबेसेस को एक्सेस करते हैं तो आपको प्रिविलेजेस चाहिए होती हैं, आपकी अथेंटिकेशन होती है, आप डिफरेंट टाइप ऑफ यूजर्स हो सकते हैं, यूजर्स की भी आपको पता है डिफरेंट टाइप्स होती हैं, तो डिफरेंट टाइप ऑफ यूजर्स को अथेंटिकेट किया जाता है। अब कैसे अथेंटिकेट किया जाता है, खास किस्म की फाइल है जिसे आप पासवर्ड फाइल कहते हैं, पासवर्ड फाइल की मदद से आप क्या करते हैं, आप यूजर्स की ऑथेंटिकेशन जो है वो परफॉर्म करते हैं कि क्या आप सिस्टम डीबीए हो, सिस्टम ऑपरेशन, आपके आपकी जो प्रिविलेज है या आपका जो रोल है वो सिस डीबीए का रोल है या सिस ऑपरेशन का रोल है, क्या इन दोनों रोल्स को अलाउ किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। पासवर्ड फाइल ने इन दोनों रोल्स को अलाउ करना है, प्रिविलेज देनी है या ऑथेंटिकेट करना है। इसके अलावा टेबल डेटाबेस में थोड़ी सी चेंजेस करना हो या डेटाबेस बनाना हो या टेबल बनाना हो, इस तरह की जो ऑथेंटिकेशन होंगी इनको इनको खुद ही आपका जो है ना डेटाबेस जो है वो खुद ही मैनेज कर लेता है और खुद ही ऑथेंटिकेट कर लेता है। किसी ऐसे यूजर को अलाउ करना हो जो टेबल्स टेबल में चेंजेस करना चाहता हो या टेबल बनाना चाहता हो या इंसर्शन करना चाहता हो, इस तरह के यूजर्स की ऑथेंटिकेशन डेटाबेस खुद ही कर लेता है। लेकिन जब आपने सिस्टम रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करने हो तो फिर उसके लिए आपको पासवर्ड फाइल्स जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं। सपोज पासवर्ड फाइल्स आपने नहीं बनाई हुई, आपके पास पासवर्ड फाइल्स नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती, तो एक कमांड लाइन यूटिलिटी होगी, ओरेकल की कमांड लाइन यूटिलिटी है, सेकंड पैराग्राफ में डिफाइंड भी है, ओरैप डब्ल्यूडी आप इसको कहते हैं। ये ओरैप डब्ल्यूडी क्या करेगी, अगर ऑलरेडी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती पासवर्ड फाइल, तो ये कमांड लाइन यूटिलिटी उस फाइल को खुद बना देगी, ठीक है, पासवर्ड फाइल जनरेट कर देगी, ताकि पासवर्ड फाइल के जरिए से ऑथेंटिकेशन की जा सके और डिफरेंट प्रिविलेजेस जो हैं वो अलॉट की जा सकें यूजर्स को। तो एक दफा थोड़ा सा देख सकते हैं इसको। एन ओरेकल पासवर्ड फाइल इज अ फाइल विद इन ओरेकल एडमिनिस्ट्रेटिव आर सॉफ्टवेयर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऑन डिस्क यूज्ड टू ऑथेंटिकेट ओरेकल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स। कि ये ओरेकल पासवर्ड फाइल क्या है, एक फाइल है, एडमिनिस्ट्रेटिव फाइल है, क्यों यूज की जाती है, ओरेकल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स को ऑथेंटिकेट करने के लिए। क्यों ऑथेंटिकेट करना है, फॉर टास्क सच एज क्रिएटिंग अ डेटाबेस ऑन डिस्क, क्रिएटिंग अ डेटाबेस और स्टार्टिंग अप एंड शटिंग डाउन द डेटाबेस, ताकि जो डेटाबेस के रिलेटेड ऑपरेशंस है ना डिफरेंट किस्म के, उनको ऑथेंटिकेट किया जा सके। द प्रिविलेजेस ग्रांटेड थ्रू दिस फाइल
जो प्रिविलेजेस आप ग्रांट करते हैं इस फाइल के थ्रू, वो प्रिविलेजेस कौन कौन सी हैं। पहली सिस डीबीए है और दूसरी सिस ऑपरेशन की प्रिविलेज है। ये दो प्रिविलेजेस खास तौर पे इस फाइल के थ्रू ग्रांट की जाती हैं। इसके अलावा वो कहते हैं जितनी भी आपकी ऑथेंटिकेशन होगी ना, इसके अलावा मुख्तलिफ यूजर्स की, वो डेटाबेस खुद ही कर लेता है। बिकॉज डेटाबेस मे नॉट शट डाउन आर नॉट माउंटेड, अनदर फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑथेंटिकेशन इज नेसेसरी इन दीज केसेस। अब वो बता रहे कि आपको डिफरेंट ऑथेंटिकेशन चाहिए। सेकेंड पैराग्राफ में वो कहते हैं कि कमांड लाइन यूटिलिटी है जो कि पासवर्ड फाइल को बना देती है खुद ही, इफ इट डजेंट एग्जिस्ट आर इट इज डैमेज्ड, अगर फाइल हो ही ना या डैमेज हो चुकी हो। बिकॉज ऑफ एक्सट्रीमली हाई प्रिविलेजेस ग्रांटेड वाय दिस फाइल, वो बता रहे कि क्योंकि इस फाइल के जरिए से बड़ी खास किस्म की प्रिविलेजेस दी जाती हैं, तो इसलिए फिर क्या होना चाहिए, इट शुड बी स्टोर्ड इन अ सिक्योर डायरेक्टरी। तो इसको किसी ऐसी जगह पे सेव किया जाना चाहिए जहां से हैक ना किया जा सके इसको, ठीक है जी। सिक्योर डायरेक्टरी लोकेशन दैट इज नॉट अवेलेबल टू एनी वन, जो किसी के लिए भी नजर ना आए, वो लोकेशन का किसी को ना पता हो सिवाय डीबीए के, सिर्फ डीबीए को पता हो और किसी को ना पता हो। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, ऑपरेटिंग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और डीबीए के अलावा उस लोकेशन का किसी को भी ना पता हो जहां पे आपकी पासवर्ड फाइल पड़ी होगी। वंस दिस फाइल इज क्रिएटेड, वो कहता है एक दफा फाइल अगर क्रिएट हो जाए तो फिर इसका एक इनिशियलाइजेशन पैरामीटर होता है, रिमोट अंडरस्कोर लॉग इन अंडरस्कोर पासवर्ड फाइल। वो कहता है अगर आप इस पैरामीटर को एक्सक्लूसिव सेट कर देती हैं, क्या कर देते हैं एक्सक्लूसिव, तो फिर इसका मतलब है कि आप सिस के अलावा बाकी जितने भी आपके यूजर्स हैं उनको आप अलाउ कर रहे हो कि वो इस फाइल को एक्सेस कर सकें, ठीक है जी। सिस के अलावा जो आपके यूजर्स होंगे आप उनको अलाउ कर रहे हो कि वो इसको एक्सेस कर सकें। तो ये इसने यहां बात की है। अब वो नीचे वाले पैराग्राफ में वो कह रहा है कि सिस डीबी और सिस ओपीईआर जो दो प्रिविलेजेस हैं खास किस्म की, इनको ओएस की ऑथेंटिकेशन के जरिए से जो है वो परफॉर्म किया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। देखें हमारी जितनी भी फाइल्स हैं, चाहे वो कंट्रोल रीडू लॉग फाइल्स, डेटा फाइल्स, पासवर्ड फाइल्स, ओरेकल मैनेज्ड फाइल्स, जितनी भी फाइल्स हैं, वो सारी की सारी फाइल्स लाजमी नहीं कि एक एक लोकेशन पे ही पड़ी हों। आप उन फाइल्स को डिस्पर्स भी कर सकते हैं, आप उन फाइल्स को मल्टीपल लोकेशंस पे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल लोकेशंस पे अगर आप लोगों ने इसको कॉपी पेस्ट करना है या मल्टीपल लोकेशंस पे अगर आप लोगों ने उनको लेके जाना है, इसके बैकएंड पे पर्पस ये होता है कि आपका एक तो बैकअप पर्पस होता है, दूसरा पर्पस होता है कि आप लॉसेस में ना जाएं। अगर एक जगह से फाइल डिस्टर्ब हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए, क्रैश कर जाए, एक डिस्क अगर क्रैश कर जाए, तो कम से कम आपकी उस डिस्क में जो फाइल पड़ी होगी वो फाइल किसी दूसरी डिस्क में पड़ी होगी, तो आप उसको इजीली रिकवर कर लेंगे, एक्सेस कर लेंगे आप उसको दोबारा से, कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगी आपके लिए। तो मल्टीप्लेक्सिंग आपको अलाउ करता है कि आप अपनी फाइल को क्या करो, आप डिफरेंट डिस्क के ऊपर जो है वो स्टोर कर लो, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर लो फाइल को, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो मल्टीप्लेक्सिंग का कॉन्सेप्ट है। अब एक ऑटोमेटिक स्टोरेज मैनेजमेंट का एक कॉन्सेप्ट है जो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है। जब आप कोई नई फाइल बनाते हैं या नई डिस्क ऐड करते हैं, तो ऑटोमेटिकली नई डिस्क के ऊपर भी आपकी फाइल जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। तो ASM क्या है? यूजिंग ASM इज अ मल्टीप्लेक्सिंग सोल्यूशन दैट ऑटोमेट्स द लेआउट ऑफ डेटा फाइल्स। ये क्या करता है, आपकी जितनी भी डाटा फाइल्स हैं उनके लेआउट्स को ऑटोमेट करता है, डाटा फाइल्स, कंट्रोल फाइल्स, रीडू लॉग फाइल्स, जितनी भी हैं। कैसे करता है ऑटोमेट? बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग देम अक्रॉस ऑल अवेलेबल डिस्क्स, यानी कि आपकी तमाम फाइल्स को तमाम डिस्क के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। व्हेन न्यू डिस्क आर एडेड टू द ASM, वो कहता है जब आपके पास अगर चार डिस्कें ऑलरेडी हैं, आप दो डिस्कें और डाल देते हो चार डिस्कों के अंदर, तो फिर इसका मतलब नई डिस्कें ASM के क्लस्टर में आ गई हैं, ऑटोमेटेड सिस्टम, ऑटोमेटेड स्टोरेज मैनेजमेंट के क्लस्टर के अंदर दो डिस्क और आ गई हैं, तो क्या होगा, डेटाबेस फाइल्स आर ऑटोमेटिकली रीडिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द ऑल डिस्क वॉल्यूम्स फॉर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस। तो जो नई डिस्क आई होंगी उनके ऊपर भी रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा ताकि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो ऑप्टिमल रह सके।
मल्टीप्लेक्सिंग फीचर ऑफ एएसएम क्लस्टर मिनिमाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ डेटा लॉस, डेटा लॉस इससे बहुत कम हो जाएगा आपका, एंड जनरली मूव इफेक्टिव इफेक्टिव देन अ मैनुअल स्कीम। मैनुअल स्कीम से ज्यादा ये इफेक्टिव है, इसलिए इफेक्टिव है, अगर मैनुअली आप डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो हो सकता है नई, अगर आपने नई डिस्क अटैच की हो तो नई डिस्क पे डिस्ट्रीब्यूशन करनी आप भूल जाएं, या अगर आपके पास डेटा फाइल्स में चेंजेस हुई हैं तो उन चेंजेस को बाकी डिस्क के ऊपर रेप्लीकेट करना आप हो सकता है मैनुअली भूल जाएं। लेकिन ऑटोमेटिक सिस्टम जो होता है वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर देता है, उसमें आपको खुद से कोई काम नहीं करना पड़ता, उसमें ये फायदा हो जाता है जी। यहां तक प्रॉब्लम है तो पूछ लें, कुछ चीजें डिस्कस करने वाली हो तो जी। स्टूडेंट्स सर ये दोनों लास्ट टाइम वाली अभी बताइएगा, ऑटोमेटेड और दूसरी ऑटोमेटिक और मैनुअल, ठीक है। देखो मल्टीप्लेक्सिंग हमने डीसीएन में भी पढ़ा था, मल्टीप्लेक्सिंग का कॉन्सेप्ट क्या था, मल्टीपल इनपुट से डाटा लेना और एक जगह पे डाल देना, और डीमल्टीप्लेक्सिंग इसका उल्ट था। यहाँ वो ये कह रहा है कि आप लोग अगर एक डिस्क में सारा का सारी फाइल्स को सेव करके रखते हो, रिकॉर्ड रखते हो सारी फाइल्स का, फाइल सारी मतलब आपकी डाटा फाइल्स, कंट्रोल फाइल्स, रीडू लॉग फाइल्स, इस तरह की जितनी भी हैं, अगर उस डिस्क में प्रॉब्लम आ जाती है तो दैट मीन्स सारी कहानी खत्म, सारी फाइल्स आपकी खत्म। अब दूसरी वो सिचुएशन कहता है कि आप क्या करो, मल्टीपल डिस्क लगा रहे हो, मल्टीपल डिस्क के ऊपर उनको रेप्लीकेट कर दो, कॉपी पेस्ट जिसे हम कहते हैं। अब एक तो इसका तरीका ये है कि आप मैनुअली ये सारा काम करें, मैनुअली ये सारा काम करने में क्या होगा, अगर आपने एक डिस्क में चेंज कर दी है दूसरी डिस्क में चेंज नहीं करते, एक फाइल है फर्ज करो डाटा फाइल, उस डाटा फाइल में थोड़ी सी चेंजेस हुई हैं, एक डिस्क में तो चेंजेस हो गई, बाकी डिस्क में फर्ज करें आपने चेंजेस नहीं की, तो इससे प्रॉब्लम आएगी, इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी ना आपकी डेटाबेसिस की टर्म में, इनकंसिस्टेंसी हो जाएगी। तो इसकी बजाय फिर आप क्या, इसके अलावा और एक चीज, अगर नई नई डिस्क अटैच करते हो आप अपने क्लस्टर के अंदर, दो तीन डिस्क और अटैच करते हो, और आप नई डिस्कों में भी दोबारा उसको रेप्लीकेट करना भूल जाते हो फाइल्स को, तो फिर भी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो फिर इनका सॉल्यूशंस वो देता है कि आप क्या करो, आप ऑटोमेटेड स्टोरेज मैनेजमेंट यूज कर लो। ऑटोमेटेड स्टोरेज मैनेजमेंट क्या करेगी, ऑटोमेटिकली आपकी जो डेटा फाइल्स या रीडू लॉग फाइल्स या जो कंट्रोल फाइल्स हैं उन तमाम फाइल्स को ऑटोमेटिकली रेप्लीकेट करती जाएगी। आप अपने क्लस्टर में जितनी डिस्कें ऐड करते जाओगे आपकी डेटा फाइल्स की तमाम कॉपीज जो है वो ऑटोमेटिकली बाकी डिस्कों में भी, जो नई डिस्की होंगी उनमें भी रेप्लीकेट कर दी जाएंगी, उनमें भी ट्रांसफर कर दी जाएंगी, रीडिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएंगी, ठीक है। तो स्टोरेज को मैनेज करना जो है वो इजी हो जाता है अगर आप ऑटोमेटिक सिस्टम को यूज करें जी। जी बच्चे बेटा जी सर ठीक है। मुझे ये बताएं मीटिंग कब शुरू की थी हमने, ये वाली 40 मिनट्स पूरे तो नहीं होने वाले, दो मिनट रह गए, एक मिनट सर आई थिंक रह गया, एक मिनट है बाकी, अगर किसी ने पूछना तो पूछ लें फिर इसके बाद दोबारा मीटिंग कॉल करके ना, एक डायग्राम है सिर्फ वो दिखानी है आप लोगों को मैंने, नेक्स्ट तीन चार मिनट का काम है आगे। तो ये नीचे मैनुअल मल्टीप्लेक्सिंग इन्होंने दी हुई है, इसको बाद में देखेंगे, पहले आप ये देख लें। अभी मैं मीटिंग ना खत्म कर रहा हूं, दोबारा कॉल करता हूं मीटिंग को।